जब चांद की बात आती है तो हम इमेजिन करते हैं कि मून ऐसे प्लैनेट के पास ही होता है जिनका आकार काफी बड़ा हो, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जिन प्लैनेट्स का आकार काफी बड़ा है उनके पास मून्स की संख्या भी काफी ज्यादा है। इसके लिए हम अपने सोलर सिस्टम के गैस जाइंट्स प्लैनेट सैटर्न और जुपिटर को देख सकते हैं जिनके पास 200 से भी ज्यादा मून्स हैं। पर वहीं अगर हम सोलर सिस्टम के छोटे प्लैनेट्स जैसे मरकरी और वीनस को देखें तो इनके पास कोई मून नहीं है। ऐसे में हमारे मन में यही सवाल आता है कि शायद मून का होना प्लैनेट के आकार पर निर्भर करता है। पर दोस्तों सच्चाई ये नहीं है, क्योंकि छोटे आकार वाले प्लैनेट्स के पास भी मून होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई ड्वार्फ प्लैनेट्स के पास भी उनके खुद के मून हैं। आज हम ऐसे ही एक ड्वार्फ प्लैनेट माकिमा के और उसके मून MK2 के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों वैज्ञानिक MK2 मून को हमारे सोलर सिस्टम का एक मिस्टीरियस मून मानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पर माकिमाकी के मून MK2 के बारे में जानने से पहले हमें ड्वार्फ प्लैनेट माकिमाकी के बारे में समझना होगा। माकिमाकी हमारे सोलर सिस्टम के ज्यादातर ड्वार्फ प्लैनेट्स की तरह काइपर बेल्ट का हिस्सा है। यह ड्वार्फ प्लैनेट सोलर सिस्टम में हमारी सन से करीब 45.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर रहकर सन को ऑर्बिट कर रहा है। इसकी इतनी दूरी पर होने के कारण सनलाइट को सन से इसके सरफेस तक पहुंचने में करीब 6 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, क्योंकि यह सूर्य से काफी दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट कर रहा है। इसलिए इसे सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 305 अर्थ ईयर लग जाते हैं, यानी यहाँ पर एक साल पृथ्वी के करीब 305 सालों के बराबर है। पर अगर एक्सिस रोटेशन की बात करें तो इसका अपने एक्सिस पर एक रोटेशन करीब 22 घंटों के बराबर है, यानी यहाँ पर एक दिन केवल 22 घंटों का होता है। इसका मतलब ये अपनी एक्सिस पर हमारी पृथ्वी से थोड़ा सा तेज रोटेट करता है। वैज्ञानिक माकिमाकी ड्वार्फ प्लैनेट को सोलर सिस्टम में काफी इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि यह काइपर बेल्ट में मौजूद उन बड़े ऑब्जेक्ट्स में से एक है जिन्होंने वैज्ञानिकों को प्लैनेट्स की एक नई डेफिनेशन सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे ड्वार्फ प्लैनेट का नाम दिया गया। काइपर बेल्ट में ऐसे कई बड़े प्लैनेट जैसे ऑब्जेक्ट मौजूद थे जो दिखने में तो प्लैनेट जैसे लगते थे पर उनका आकार काफी छोटा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक नई ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट बनाई और उन सभी छोटे प्लैनेट जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स को ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया, जिसमें माकिमाकी के साथ प्लूटो एरिस हाउमिया जैसे कई और ड्वार्फ प्लैनेट शामिल हैं। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि अब तक हमारे सोलर सिस्टम में कितने ड्वार्फ प्लैनेट को खोजा जा चुका है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे नासा के वैज्ञानिकों के पास ड्वार्फ प्लैनेट माकिमाकी के बारे में ज्यादा डेटा तो नहीं है, पर हबल टेलीस्कोप द्वारा इस पर की गई रिसर्च बताती है कि इसके पास बहुत ही पतला एटमॉस्फेयर मौजूद है जिसमें शायद काफी ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। इसके अलावा इसकी सरफेस काइपर बेल्ट के ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स की तरह जमे हुए पानी और मीथेन गैस से बनी है। शायद यही कारण है जिसके चलते इसे अपना लाल रंग मिला है। इसके अलावा आपको ड्वार्फ प्लैनेट माकिमाकी के बारे में ये भी जान लेना चाहिए कि इसे 2005 में M.E. ब्राउन C.A. तुर्जिलो और D.L. रेबिनोविट्स नाम के वैज्ञानिकों ने पैलोमर ऑब्जर्वेटरी की मदद से खोजा था। पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब वैज्ञानिकों को इसके मून के बारे में कुछ पता नहीं था। इसके मून MK2 की सबसे पहले खोज 2015 में नासा के हबल टेलीस्कोप के जरिए की गई, क्योंकि इस दौरान हबल टेलीस्कोप से ड्वार्फ प्लैनेट माकिमाकी पर रिसर्च की जा रही थी। तभी वैज्ञानिकों को इसके चारों ओर ऑर्बिट में घूमता हुआ एक स्मॉल डार्क मून दिखा। चलिए अब आते हैं माकिमाकी के मून MK2 पर। आपको बता दूं कि जब शुरुआत में 2015 में MK2 मून को खोजा गया था तो इसका नाम S/2015-1364721 रखा गया था, पर बाद में इसे MK2 बुलाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह मून माकिमाकी ड्वार्फ प्लैनेट का नहीं है, बल्कि यह शायद काइपर बेल्ट का एक बड़ा एस्टेरॉयड था जो शायद आज से कई बिलियन साल पहले भटकते हुए माकिमाकी के ग्रेविटी फील्ड में आकर फंस गया और उसे ऑर्बिट करने लगा। वैज्ञानिकों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इस मून की शेप काफी अजीब है, जो इस ओर इशारा करता है कि शायद MK2 मून
माकी माकी डॉर्फ प्लैनेट का नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी प्लैनेट को मून तीन तरह से मिल सकता है, जिसमें सबसे पहला तरीका तो ये है कि उस प्लैनेट या डॉर्फ प्लैनेट के निर्माण के साथ ही बचे हुए मैटर से उसके चारों ओर घूमते हुए एक मून का निर्माण हो। दूसरा तरीका है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की उस प्लैनेट से टक्कर पर प्लैनेट के चारों ओर एक मून का निर्माण हो, पर यह प्रक्रिया काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जिसमें ज्यादातर प्लैनेट तो पूरी तरह से नष्ट ही हो जाते हैं। आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी को मून इसी दूसरे तरीके से मिला है, क्योंकि आज से करीब 4 बिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी के निर्माण के समय उससे एक बड़ा प्लैनेट टकराया था, जिसके कारण पृथ्वी का बहुत सा हिस्सा टूटकर पृथ्वी के चारों ओर ऑर्बिट करने लगा और समय के साथ उसने मून का निर्माण कर लिया। इसके अलावा सबसे आखिरी तरीका होता है जब कोई प्लैनेट उसके आसपास से गुजर रहे एस्टेरॉयड को या किसी और ऑब्जेक्ट को अपनी ग्रेविटी के अंदर खींच लेता है, जिससे कभी कभी ऐसा फोर्स बनता है जिससे वह एस्टेरॉयड या ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट के चारों ओर घूमने लगता है, और इस तरह भी बहुत से प्लैनेट्स को उनका मून मिलता है। और वैज्ञानिकों को यकीन है कि माकी माकी को उसका मून MK2 भी इसी तरह मिला है, जो कहीं से आकर उसकी ग्रेविटी में फंस गया। MK2 मून को माकी माकी डॉर्फ प्लैनेट का एक ऑर्बिट पूरा करने में करीब 12 दिनों का समय लगता है, यानी यहाँ पर एक साल केवल 12 दिनों का ही है। इसके अलावा यह दिखने में भी काफी छोटा है। इसका डायमीटर केवल 175 किलोमीटर है, जो काफी छोटा है। हबल टेलीस्कोप द्वारा की गई रिसर्च में अभी तक ये सामने नहीं आया है कि यह मून चट्टानी है या फिर अपने प्लैनेट माकी माकी की तरह जमे हुए पानी और गैसों से बना है, पर इसकी काइपर बेल्ट में मौजूद दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह चमक को देखते हुए वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि शायद MK2 मून भी काइपर बेल्ट के ज्यादातर ऑब्जेक्ट्स की तरह जमे हुए पानी और जमी हुई गैसों के मिश्रण से बना है। पर अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि MK2 मून और माकी माकी डॉर्फ प्लैनेट तो काइपर बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरह काफी कॉमन है, तो आखिर हम इन्हें मिस्टीरियस क्यों बता रहे हैं? तो चलिए इसका जवाब भी जान लेते हैं कि आखिर MK2 मून और माकी माकी डॉर्फ प्लैनेट काइपर बेल्ट के मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट में क्यों गिने जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जब MK2 मून और माकी माकी की हबल टेलीस्कोप से कुछ इंफ्रारेड इमेजेस ली, तो उन्हें उम्मीद थी कि इनकी इमेजेस भी ज्यादातर काइपर बेल्ट के दूसरे साधारण ऑब्जेक्ट्स की तरह ही होगी। पर जब वैज्ञानिकों ने इस डॉर्फ प्लैनेट और इसके मून की इमेज को देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि इस इंफ्रारेड इमेज में माकी माकी और MK2 मून के कोर के पास थर्मल एक्टिविटीज दिखाई दी, जो कि काफी अजीब है, क्योंकि काइपर बेल्ट में मौजूद लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स पूरी तरह से ठंडे हैं, क्योंकि काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के काफी आखिरी में मौजूद है, जहां पर सनलाइट लगभग ना के बराबर पहुंचती है। ऐसे में यहां पर मौजूद लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स का तापमान भी काफी ज्यादा कम होता है। ऐसे में MK2 मून और माकी माकी की सरफेस और कोर के पास थर्मल एक्टिविटीज का दिखाई देना वैज्ञानिकों को यह जानने के लिए मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण यहाँ पर यह तापमान पैदा हो रहा है। वैसे अभी इस पर काफी रिसर्च होनी बाकी है, और नासा अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा काइपर बेल्ट में मौजूद कई डॉर्फ प्लैनेट जैसे प्लूटो और माकी माकी पर रिसर्च करने वाला है, जिसमें नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा माकी माकी डॉर्फ प्लैनेट और उसके मून MK2 के स्ट्रक्चर और उसके सरफेस के बारे में रिसर्च की जाएगी, जिसमें हमें काफी कुछ जानने को मिलेगा, और शायद इस रिसर्च में हमें इसके और इसके मून के तापमान में होने वाले इस अंतर का भी जवाब मिल जाए। चलिए समझते हैं कि आखिर MK2 मून और माकी माकी प्लैनेट पर रिसर्च करना जरूरी क्यों है। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुए 4.5 बिलियन ईयर्स से ज्यादा हो चुका है, और अब उसके बहुत कम सबूत बचे हैं कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण किस तरह से हुआ था और कैसे एक बड़ी सी नेबुला क्लाउड ने इतने बड़े सोलर सिस्टम को जन्म दिया। वैज्ञानिकों के मन में सोलर सिस्टम और हमारे पृथ्वी के जन्म को लेकर अब भी बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक की हमारी रिसर्च नहीं दे पाई है। पर काइपर बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम का वह भाग है जहां बहुत से ऐसे एस्टेरॉयड और डॉर्फ प्लैनेट मौजूद हैं, जो सोलर सिस्टम के निर्माण के समय ही डीप फ्रीज स्टेज में चले गए थे, यानी इनमें मौजूद सोलर सिस्टम के निर्माण की बहुत सी जानकारी अभी भी इसके अंदर फ्रीज यूनिवर्स डस्ट के रूप में मौजूद हो सकती है। और क्योंकि वैज्ञानिकों को अनुमान है कि माकी माकी और उसका मून MK2 भी डीप फ्रीज वाटर और अमोनिया जैसी चीजों से बने हैं,
तो शायद आज भी इनके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण से जुड़ी कई बिलियन ईयर्स पुरानी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो सकती है, जो हमें इस पूरे सोलर सिस्टम को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती है। इसलिए इन पर रिसर्च से हमें अपने सोलर सिस्टम और हमारी पृथ्वी के निर्माण से जुड़ी बहुत सी ऐसी जानकारी मिल सकती है जो भविष्य में हमारे काफी काम आ सकेगी। इसके अलावा काइपर बेल्ट में MK2 मून और माकी प्लैनेट पर रिसर्च करने के दौरान वैज्ञानिकों के पास ये भी मौका होगा कि वह काइपर बेल्ट को और भी एक्सप्लोर कर सके, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में काइपर बेल्ट एक ऐसा रीजन है जो अभी भी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है और वहाँ आज भी बहुत से ऐसे प्लैनेट और मून मौजूद हो सकते हैं जो भविष्य में हमारे ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि काइपर बेल्ट में एक छुपा हुआ प्लैनेट मौजूद है जिसका आकार हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा हो सकता है। इस प्लैनेट को प्लैनेट 9 कहा जाता है, जो आज तक खोजा तो नहीं गया है, पर इसकी ग्रेविटी के प्रभाव को काइपर बेल्ट में मौजूद कई ऑब्जेक्ट्स पर देखा जा सकता है और शायद माकी और उसके मून पर रिसर्च के दौरान हमें प्लैनेट 9 मिल भी जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको यह जवाब मिल गया होगा कि आखिर हमें क्यों MK2 मून और माकी ड्वार्फ प्लैनेट पर रिसर्च करनी चाहिए और आखिर ये इतने मिस्टीरियस क्यों हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।